हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मॉडर्न एम्पायर के एक और एंटरप्रेन्योर्स विंग में। अब गाइज, यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पर अपन अक्सर बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें की जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होती है। सो गाइज, हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेजर कंपनीज की जिनका जिनका बहुत बड़ा फेम है, जिनका बहुत बड़ा मार्केट है, बट उनका कुछ नहीं है, मतलब उनका बहुत कम है या कुछ नहीं है। तो यहीं पर बात होगी। तो गाइस, हम बात करते हैं पहली चीज अमेजोन को लेके। अब अमेजोन अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी है जिसका बहुत सारा डिमांड है, लेकिन एक चीज जानने वाले कि अमेजोन का कोई स्टोर नहीं है। आपको बिग बाजार के स्टोर मिल सकते हैं, आपको रिलायंस के स्टोर मिल सकते हैं, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर मिल सकते हैं, लेकिन आपको अमेजोन का स्टोर नहीं मिलेगा। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अमेजोन में इतना बड़ा मार्केट कैसे बना। सो गाइस, अमेजोन के पास गोदाम है, अमेजोन के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, बट Amazon का खुद का स्टोर नहीं। तो मैंने ये डिस्कस किया कि Amazon के पास क्या है, Amazon के पास क्या नहीं। तो गाइज, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में गाइज आती है बात उबेर की। अब जब उबेर ने स्टार्ट किया, तब उसके बाद में उसके पास खुद की बहुत कम गाड़ियां दिया रही थी, और उसने मोस्टली ड्राइवर लोगों से कॉन्टेक्ट किया था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको मैक्स टू मैक्स क्लाइंट्स देंगे। अब ये चीज़ आ गई उबेर को लेके। अब उबेर की ये पॉइंट नोट करना कि उसने क्लाइंट से कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है फेसबुक की। अब फेसबुक की कहानी अगर अपन देखेंगे तो फेसबुक का खुद का कंटेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल, फेसबुक के नेटवर्क पे फेसबुक का आपको ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, ऑफिशियल अथॉरिटीज मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर उनका खुद का वो कोई कंटेंट नहीं डालते हैं। जैसे अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है, मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, तो आप मैं जो पोस्ट करूंगा वो आप देखेंगे, आप जो पोस्ट करूंगा वो मैं देखूंगा। इस टाइप से ये हो गया हम दोनों का बॉन्ड। फिर उसके बाद में 3, 4, 5 ऐसे आदमी आते जाएंगे, बॉन्ड्स बनते जाएंगे, नेटवर्क बनता जाएगा, लेकिन फेसबुक का खुद का कंटेंट नहीं। फिर उसके बाद में ये मैं कहूंगा ग्रुपिंग, इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद में गाइस बात आती है नेटफ्लिक्स को लेकर। अब नेटफ्लिक्स के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो खुद को टीवी चैनल रख के लॉन्च कर सकता था, लेकिन उसने खुद के लिए दूसरा मीडियम चुना, वो था कि वो वेब सीरीज डिजाइन करेगा और वो वेब सीरीज लॉन्च करने पे फोकस करेगा। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को स्कोप मिला, बिकॉज टीवी चैनल थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट हो जाता था, तो नेटफ्लिक्स ऐसी चीज थी जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स को जिनके पास टैलेंट है, बट उनको क्योंकि टीवी में स्क्रीन नहीं मिल पा रही, सो लोगों ने नेटफ्लिक्स में उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मदद करने वाली चीज बोलूंगा नेटफ्लिक्स की तरफ से, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग आती है बिटकॉइन को लेके। अब यार, बिटकॉइन का जब मामला आता है ना, तभी पूरा आ जाता है क्रिप्टो करेंसी को लेके। अब बिटकॉइन की जो दो चीजें अट्रैक्ट करती है, वो ये कि इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, यानी अगर मैं आज बिटकॉइन परचेस करता तो मतलब जस्ट मैंने इस सेकेंड में बिटकॉइन परचेस किया, मतलब वो बिटकॉइन मेगा, सॉफ्ट वर्जन में चलता है इसलिए वो मेगा। फिर उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी में क्विक फ्लक्चुएशन होता है, तो उसका मुझे क्विक प्रॉफिट और क्विक लॉस भी मिल सकता है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा चीजें अट्रैक्टिव है। लॉस हुआ तो ठीक है, बट प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा। सो गाइज, यहाँ पर है कि बिटकॉइन का कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। सो गाइज, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कि इवन इफ आपके पास मेजर रिसोर्सेस मिसिंग है, तभी भी आप एक अच्छा सा बिजनेस स्टेबल करने का सोच सकते हो। अमेजोन को देख लो, वहां पर उसने ने स्टोर नहीं खोला, ऑल्दो उस टाइम पे स्टोर का बहुत सारा डिमांड था, उसने ऑनलाइन मार्केट डेवलप किया। उसने बस इतना किया कि वो स्टोर से सामान उठाता था और ट्रांसपोर्ट कर देता। इन शॉर्ट, उसने बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और स्टोरेज और सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया। फिर उसके बाद उबेर ने खुद की गाड़ियां थोड़ा बहुत ठीक है लॉन्च कर दिया, लेकिन उसने अपने ड्राइवर्स को कॉन्टेक्ट किया, यानी उबेर बेसिकली दो अलग अलग लोगों को मिलाने का काम कर रहा है, तो ये उबेर ने कर दिया। फिर उसके बाद में फेसबुक की बात कर, तो फेसबुक ने खुद का कुछ नहीं किया, फेसबुक ने दो अलग अलग बिछड़े लोगों को या बिछड़ी सोचों को मिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका भी मार्केट चल गया। फिर उसके बाद में नेटफ्लिक्स के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि वो टीवी चैनल्स में आके एक रेगुलर नेटफ्लिक्स के टाइप से चल सकता था, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं चुना। उसने सोचा कि हम वेब सीरीज के थ्रू जाएंगे,
अब जब वो वेब सीरीज के थ्रू गए तो उसके बाद में मैम बिकॉज वेब सीरीज का खुद का सीक्वेंस होता है कि हम इस टाइम पे ये सीरीज एक साथ अपलोड करेंगे, सो उस टाइप के नए कंसेप्ट को नेटफ्लिक्स ने सपोर्ट किया, इसलिए नेटफ्लिक्स भी चल गया, मतलब अच्छी तरीके से चल गया। और फिर उसके बाद में बिटकॉइन का तो आप जानते ही है कि बिटकॉइन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट येट उसके ट्रांजेक्शन बहुत जबरदस्त मैनर में होते हैं। सो गाइज अब ऐसा है कि इनके पास कोई खुद का रिसोर्सेस नहीं था, बट क्योंकि इनने एक मेजर जो फोकस रखा एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस रखा और उस आइडिया पे काम किया, सो इन लोगों को देर से सक्सेस मिली, बट जब मिली तब वो अपने आप में जबरदस्त थी। जरूर आप लोग भी अपने बिजनेस के लिए इतना सोचो, अक्सर एक माइंडसेट होता है कि अगर आपको बिजनेस चाहिए तो 100% चीजें आपकी होनी चाहिए, सो उस माइंडसेट को मैं कहूंगा थोड़ा बहुत चेंज करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। इसी के साथ गाइज हमारा वीडियो पे खत्म हुआ, थैंक यू आप लोगों ने वीडियो अब तक देखा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो और जरूर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, सो जरूर तब तक के लिए बाय।